सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा मॉक टेस्ट है और इसमें जैसे कि हमने सुबह जो कॉन्सेप्ट किए थे उन्हीं के बारे में ये आज का हमारा मॉक टेस्ट है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि इसमें हमने उन क्वेश्चन को शामिल किया है जो पहले काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रेक्षित साधन में नहीं आता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्ट एड। प्रोजेक्टेड एड के बारे में बताना कि इनमें से कौन सी नहीं है प्रोजेक्टेड एड। देखिए, इसके बारे में हमने सुबह पढ़ा था, अगर आपको ध्यान में हो तो प्रोजेक्टेड एड कौन कौन सी होती है, तो इसमें वो बतानी है जो प्रोजेक्टेड एड नहीं है। ये क्वेश्चन पहले आया है दोस्तों, दो बार करीब आया है, तो इसमें बताइए आप कौन सा है। आप चाहे तो वीडियो को रोक भी सकते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। अब देखिए, इसका आंसर आएगा हमारा दोस्तों ब्लैक बोर्ड आएगा। जो ब्लैक बोर्ड जो होता है दोस्तों, वो हमारी प्रोजेक्ट एड नहीं होती, वो क्या होती है, विजुअल एड होती है, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट एड क्या होती है, जैसे कि हमारे स्लाइड शेयर वगैरह यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट यूज़ वगैरह करते हैं कमरे के अंदर, तो उन्हें कहते हैं प्रोजेक्ट एड, ठीक है। लेकिन ब्लैक बोर्ड है वो प्रोजेक्ट एड नहीं होता, उसे हम विजुअल एड कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी घुमा फिरा के पूछा गया है, तो आप बताइए कि जो ब्लैक बोर्ड है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे हमें करना चाहिए। आप इसमें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। शिक्षण सामग्री को सफेद श्याम रूप में लिखना, यानी कि ब्लैक एंड वाइट लिखना, विद्यार्थी को एकाचित्त बनाना, यानी कि वो कंसंट्रेटेड करना, अटेंशन लेके आना, राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखना, शिक्षक द्वारा सम्यक प्रदर्शित करना, तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले तीन बार आ चुका है, आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, बिल्कुल आसान है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखना, यानी राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट, ये इसका आंसर आएगा एक्यूरेट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है, अधिगम जो है उसका सही मायने में अर्थ क्या है। ये दोस्तों हमने पढ़ा है और ये क्वेश्चन आज तक 4 से 5 बार आ चुका है। आपको जो वीडियो में सॉरी आपको जो पीडीएफ मैं दूंगा उसके अंदर आप देखना, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है, तो आप बताइए इसका क्या होगा। और ये इसके बारे में मैंने बताया था दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैंने सुबह आपको बताया था, तो आप बताइए इसमें से कौन सा आ सकता है ऑप्शन, सही आंसर क्या है। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, व्यवहार में संशोधन, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि जब हम कुछ सीखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर हमारे अंदर पॉजिटिव होने चाहिए। अधिगम, सही अधिगम वो होता है जिससे पॉजिटिव चेंजेस आए, तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों, व्यवहार में संशोधन, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, ऐसी कौन सी चीज़ है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करती, वो हमें बतानी है, टीचिंग को प्रभावित नहीं करती। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमारा फैक्टर अफेक्टिंग जो वाला टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, शिक्षक का ज्ञान इफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, हमें जो प्रभावित नहीं करता वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे ये चीज़ भी आप थोड़ा नोट कर लेना कि क्या पूछा, प्रभावित करने वाला या नहीं करने वाला, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। कक्षा की ऐसी गतिविधियाँ जो सीखने को प्रोत्साहित करती है,
शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अनुभव द्वारा सीखना, इनमें से कौन सी ऐसी तत्व है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, वो हमें बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, आप चाहे तो वीडियो रोक के भी इसका आंसर पता कर सकते हैं। ये देखिए इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। अब देखिए जो विद्यार्थी है, अगर गरीब विद्यार्थी है तो उसके शिक्षण पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, अगर शिक्षक गरीब है तो भी वो अच्छा पढ़ा सकता है, ठीक है, और विद्यार्थी भी अगर गरीब है तो भी वो अच्छी शिक्षा ले सकता है, तो इसका शिक्षा के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी एक्यूरेट होगी, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2 से 3 बार पहले आ चुका है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर देखिए ये आंसर नहीं है दोस्तों, कहीं आप सोचो आंसर है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बच्चे जो है जो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने दिया है कि अभिकथन क्या दिया है इन्होंने, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इन्होंने एक अभिकथन कह दिया। और तर्क दिया है इन्होंने, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। अब इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, लर्निंग इज ए लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। और रीज़न दिया है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस। तो ये हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए और दो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है ये बताना है, और फिर बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो एक्यूरेट होगा, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, सोचिए समझिए, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमें इसमें। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसे देखिए समझने की कोशिश करते हैं, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि अधिगम जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जब बच्चा जन्म लेता तब से लेकर जब मरता है इंसान तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए जो हमारी लर्निंग है वो कब उपयोगी हो सकती है, जब हम उसे अपने ज़िंदगी से रिलेट करके चले। अब देखिए वही बात आ गई ना कि सुबह मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई दो आदमी लड़ रहे हैं, उनसे अगर हम कुछ सीखते हैं कि यार लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने से जो है व्यवहार बहुत ख़राब हो जाता है, चोट लग जाती है, ये है वो है, अगर उस चीज़ को हम अपने ज़िंदगी में उतारें, हम भी आगे लड़ाई ना करें, तो वो हमारा अधिगम है वो उपयोगी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ऑप्शन ए आएगा दोस्तों। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, एक मिनट रुकिए, इसके अंदर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब देखिए सुबह मैंने बताया था कि शिक्षण और अधिगम है उनके अंदर क्या रिलेशन होता है, क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है, वो हमें बताना है। तो इसमें से ये देखिए ए बी सी डी ई, यानी कि इन्होंने कितने 5 ऑप्शन दिए, ठीक है। इनमें हमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, ई ठीक है, कौन कौन से ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन लिखता वो सभी के सभी तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं आता, तो मैंने वो सभी ऑप्शन नहीं लिखे। तो आप मैन्युअली देखिए दोस्तों कि आपका इसमें ए ठीक है, बी ठीक है, ई ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है, इसमें आप सोचिए देखिए बताइए, वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीद के जैसा है, बताइए ये सही है या गलत है। अगला है शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है, ये बताइए। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, ये बताइए हो सकता है या नहीं हो सकता। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है,
ठीक है, बताइए इसमें ये क्या है। और शिक्षण एक अंतःक्रिया है, प्रकृति में त्रिपदी है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी और ई। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि बी, सी और ई ऑप्शन किस तरीके से हुआ। अब देखिए इसके अंदर क्या है, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ये देखिए मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जो शिक्षण है वो सामाजिक कृत्य है, जिसके अंदर हम समाज की भलाई करते हैं, और अधिगम क्या है, व्यक्तिगत कृत्य है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने खुद का विकास करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद का विकास करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सुबह बताई थी और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगला है दोस्तों, शिक्षण में अधिगम निहित है, ठीक है, जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। अब ये देखिए इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं, शिक्षण में अधिगम निहित है, ठीक है, जब हम शिक्षण कर रहे होते हैं तो सीधी सी बात है हम सीख भी रहे होते हैं, ठीक है, टीचर हमें पढ़ा रहा है तो हम कुछ ना कुछ, हो सकता है 100% में से 5% सीखे, लेकिन सीख तो रहे हैं ना कुछ तो सीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। अब देखिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमें, अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। अब वही बात है जो मैंने एग्जांपल दिया था, लड़ाई कर रहे हैं कोई, ठीक है, और लड़ाई करने से क्या है कि कोई हमें सिखा नहीं रहा कि ऐसे लड़ाई करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, हम अपने आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लड़ाई करने से ये होता है, ऐसे होता है, तो वो हम अपने आप सीखते हैं, कोई सिखा नहीं रहा। अब अगला है दोस्तों, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था सुबह कि शिक्षण जो है एक अंतःक्रिया है, उसके अंदर क्या करता है कि टीचर हमें डांटता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें इनाम देता है, काफ़ी तरह की चीज़ें करता है, उसमें इंटरनल चीज़ें काफ़ी तरह की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही है, और जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो इस तरीके से इनके ऑप्शन ये होंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई सवाल या कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।